सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई 2019 का महीना, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कितनी सफलता मिलेगी और सफलता में कुछ बाधा आ रही है तो उसको किन उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है, इस पूरे एपिसोड के माध्यम से आप सभी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले 1 से 10 मई तक आपका समय कैसा रहेगा। तो शनि, बुध और शुक्र के साथ साथ चंद्र की पूर्ण दृष्टि से सोचे हुए आपके सभी कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। माता से आपको सुख मिलेगा, मित्रों से मुलाकात होगी, नए कारोबार की रूपरेखा बनेगी, व्यापार का विस्तार होगा, कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी, शनि के ढैया का असर कम रहेगा। 2 और 3 तारीख को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इस समय सावधान रहें। शेष समय आपके अकॉर्डिंग रहेगा, अनुकूल रहेगा, परेशानी आने की आपको कोई संभावना नहीं है। इसके बाद समय आएगा 11 से 20 मई का, तो एकादश चंद्र और मंगल शनि की दृष्टि होने से आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होगा, यानी कि अकस्मात आप जितना सोचे नहीं होंगे उतनी सफलता मिलेगी, अटके हुए धन की प्राप्ति हो जाएगी, माता के स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होगा, परिवार का सहयोग और समर्थन मिलेगा। 12 और 13 तारीख को आपका समय थोड़ा सा विपरीत रहेगा और उसके बाद आपका समय वापस ठीक हो जाएगा। तो 12 और 13 तारीख को आप थोड़ी सावधानी बरतें, लक्ष्य प्राप्त होगा और संतान से सुख मिलेगा आपको। इसके बाद समय आएगा 21 से 31 मई का, तो इस समय शनि और मंगल की दृष्टि रहेगी आप पर, चंद्र चतुर्थ होने से बेकार के काम ज्यादा होंगे आपके, 22 की शाम में कुछ राहत प्राप्त हो जाएगी, 24 के बाद समय पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाएगा, व्यापार उत्तम रहेगा, नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी, महीने के अंत में सब प्रकार के सुख रहेगा आपको, यात्रा सुख होगी और मित्रों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है। इसके बाद अब जानते हैं नौकरी पेशा वालों के लिए कैसा समय रहेगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में इस महीने आप पूरी तरह से अपनी प्लानिंग के अनुसार काम पूरे कर पाएंगे, अचानक आपको कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है, सोचे हुए काम समय पर होंगे, सम्मान आपको मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस महीने आप अपनी योजना को अंजाम दे सकते हैं, कोई बड़ा लाभ व्यापार में आपको मिल सकता है। परिवार की स्थिति देखें तो परिवार के लिए अच्छी सूचनाएं आपको मिल सकती हैं, माता पिता के स्वास्थ्य में काफी सुधार रहेगा, संतान आपके फेवर में रहेगी, भाइयों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। सेहत की दृष्टि से देखें तो सेहत के लिए समय अच्छा रहेगा, आप बीमारियों से काफी राहत महसूस करेंगे, पुराने रोगों में सुधार होगा, सेहत के लिए इस महीने आप कुछ विशेष प्रयास भी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन देखें तो जीवन साथी से आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, आपके रिश्ते काफी मजबूत होंगे, कोई परेशानी आप दोनों मिलकर के दूर कर सकेंगे, किसी तरह के विवाद का संकेत नहीं है इस महीने। संपत्ति की दृष्टि से देखें तो संपत्ति से लाभ मिल सकता है, आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, एक बड़ा मौका आपको मिल सकता है जिससे आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, तो उस मौके का ध्यान रखें। उपाय क्या है, जो भी इस महीने आपको कष्ट है, मुश्किलें हैं, दिक्कतें आने वाली हैं, उनको दूर करने के लिए आप गणपति जी की आराधना कीजिए और दुर्वा घास अर्पित कीजिए जो पूजा में यूज की जाती है, जिसे दूब घास भी बोलते हैं। किन्नरों को सम्मान दीजिए और पैसे भी कुछ भेंट कीजिए, इनमें से कोई एक उपाय कर लीजिए या फिर किसी कन्या को वस्त्र दान कर दीजिए, ये भी लाभकारी रहेगा आपके लिए। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो इस महीने इन उपायों को अपना करके आप अपनी सफलता के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो यह आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि कन्या राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है इस महीने, क्रोध पर काबू रखना है और क्या क्या चीजें करनी है, साथ ही साथ आपको सफलता के लिए क्या उपाय करने हैं, इससे रिलेटेड रहा ये आज की जानकारी। अब मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।